तो गाइस ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, मुझे मालूम नहीं कि ब्लॉग कैसे करते, पर फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ। सामान है तो अभी हम जा रहे हैं मनाली। तो ये अभी स्टेशन पे ट्रेन का वेट किया जा रहा है, बिस्लरी लेके और दोस्त भी उधर है और आ रहे दोस्त लोग, ठीक है तो बता दे आगे कैसा क्या होता। तो अभी हम ट्रेन में बैठ गए, ये मनोज भाई है और ये जुवन भाई है, खुद एलवी के मालिक, उनके पास ही पूरा इंडिया का डीलरशिप नहीं है। ट्रेन अभी तुड़क 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 ऐसे कर करके तभी मनाली पहुँचेंगे, मालूम नहीं पर काम चालू, नहीं क्या काम चालू, रास्ता बंद है बोलते। तो बाद में अभी डायमंड चिप कर रहा हूँ, कुछ डायमंड फिर भाई जवेरी ने दिया मुझे, ये डायमंड का बोलेगा डायमंड के मालिक हो जाओगे, ब्लिंक ब्लिंक नहीं क्या बोलते। बाकी के बाद ट्रेन की भीड़ भाड़ में हम अपना सामान बचा कुचा के भाई मार्केट ये का प्रवास सब सब ये देखो पिक्चर आ रहा हॉलीवुड में, देखा पीछे से दिखा भाई एकदम शाहरुख, माय गॉड लवर बॉय। कल्याण प्लेटफॉर्म पे बहुत लोगों के साथ मैं रुका हूँ, अभी तक इंडिकेटर नहीं लगा, 4:30 की ट्रेन है और हम एक घंटा पहले आए क्योंकि पिछली बार हमारी ट्रेन मिस हो गई थी और हमको फ्लाइट से जाना पड़ा था। इंतज़ार हो गई इंतज़ार की और मैं ऐसे ही हिलकट जैसा कल्याण स्टेशन पे बैठ के लोगों का इंतज़ार कर रहा हूँ पर मेरी ट्रेन क्या आ नहीं रही है। पिछली बार हम गए थे तो 2 मिनट की वजह से हमारी ट्रेन गई थी, इस बार ट्रेन आ ही नहीं अभी तक, तो क्या चल रही है ज़िंदगी, हमसे क्या लेना चाहते हैं मालूम नहीं। तो लोग तो आ रहे जा रहे आ रहे जा रहे, मैं मस्त बैठा हूँ मांडी घर के पंक्ति साइरम मंडी, तो आगे का अपडेट आगे। गाइस यहाँ देख रहे हो इसको बोलते हैं वीजा कट, ये रहेगा ना तो बाहर देश में जाने के लिए वीजा भी नहीं लगता पर नहीं पासपोर्ट, इसलिए भाई आए की जरूरत नहीं है, मनाली से डायरेक्ट सिंगापुर जाने वाले हैं और अभी एक्सप्रेस का वेट किया जा रहा है। नहीं क्या ये बाली मालूम है क्या बाली, ये यूरेनियम की यूरेनियम ये ऐसा डालेगा ना फूट जाएगी। अरे अली 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 राजधानी अली चुक 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 चुक। अभी सफर चालू है, राजधानी की सीट मिली है, आप देख से जैसे देख रहे हो एकदम लैविश लाइफ चल रही है, कोई टेंशन नहीं दिक्कत नहीं, वो क्या खाना है क्या नहीं खाना है सब पूछ रहे हैं। और हमारे साथ सर भी जुड़े हैं, सर ठीक है ये सर भी ये नासिक तक ही है और हमारे साथ है कुछ विषय नहीं, ये जीवन भाई है, मनोज भाई है और ये हम है, एकदम प्रॉपर काम चलो 25 में 26 आया तो हमको कंठ सुधारक दिया गया है। अभी देखो ये खाओगे बोलता है गला विला जो खांसी खोखला है वो निकल जाएगा, सर भी खा रहे हमारे साथ और ये सर को भी दे थे बॉडी बिल्डर है, ये खाए थे नहीं वो सोच रहे वो ब्रेड नहीं खाते काबो उस साहिल खान को फॉलो कर। तो आपका क्या है कबड्डी प्लेयर इंडिया टीम से खेलता है रिप्रेजेंट ब्रो स्वत्ता मालक मगर अभी ट्रेन का विषय नहीं चालू है, एक और सर अभी नासिक रोड करके स्टेशन आ रहे हैं अभी, ये VIP सर्विस और बाथरूम, ये एमिरेट्स का फ्लाइट वाले में ना उड़ता हुआ हवा में इसका और इसका बाथरूम में कुछ फर्क नहीं। अरे सामग्री इधर जीवन भाई समोसा खाते हुए और मनोज भाई फुल वीजा कट मार के उनका देख तो प्रिय है ना, ये इधर क्या है इधर क्या चालू है दबाओ क्या और इधर चालू राज है आपा कॉमेडी का विषय है नहीं क्या, अंकल को लग रहा है जरूर मैं ये कर रहा हूँ, अंकल भी अपने साथ है अच्छा है ट्रेन में सफर कर रहे हैं, बहुत मच्छी मजे से चालू है सफर और हम कैसे मालूम नहीं व्लॉग भी करते हैं पहला है नहीं क्या, तो एडजस्ट करके लो समझ लो बाद में आएंगे ठीक ठीक से। नासिक रोड करके स्टेशन है उधर पहुंचे ले अभी वड़ापाव वड़ापाव कर मगर वड़ापाव नासिक का फेवरेट वड़ापाव इसका वड़ापाव 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 ले लो अप्पा मिर्ची कच्चा मिर्ची कच्चा मिर्ची खा और मालूम है ना इससे क्या होता है हरा कच्चा मिर्ची। अभी अपना ट्रेन जा रहे पब्लिक वहाँ भी उतर रहे ऐसा नासिक रोड करके स्टेशन है वड़ापाव ये और वड़ापाव है ये स्वच्छ इंडिया भारत इंडिया। अभी अपन ट्रेन में वापस से चढ़ के पैंट्री कार्ड में ओके आगे का विषय आगे चला जाए सतगुरु। और ये चाचा है इन्होंने हमें आखिर तक समोसा नहीं दिया, कचौड़ी दे रहे कचौड़ी दे रहे हो कचौड़ी है ये देखो इधर सब कचौड़ी सामान रखा है ये अपना खाना। अरे यार कुछ नहीं होता ना पा काय करते आम्ही अरे काय असे करते रे आम्हाला इज्जत नाही देते तू देखो असे करते विनोद कुमार विनोद कुमार असे करते ए विनोद भैया काय विषय नाही पब्लिक खाना आ गया है रात का ट्रेन में सब लोग तड़पड़ के खा रहे ले मस्त ठीक है एक आले सब्जी है हमारे सर जी है वो भी आ रहे वो खाना खा रहे उन्होंने शुद्ध शाकाहारी ना सर जी शुद्ध शाकाहारी खाना मंगा है और जो हमारे दो कमीने है ना वो राक्षस है वो उनका कुछ अलग ही प्लान चल रहा है बोला हम अभी नहीं 10 बजे खाएंगे उनके मन में कुछ तो है मेरा कुछ विषय नहीं
इनका ही विषय है। तो अभी इनका क्या प्लानिंग चालू है मैं आपको बताता हूँ थोड़े टाइम में, पर हम तो अभी नहीं। और हमने मांसाहारी खाना मंगाया। ये कौन है, तू कौन है? मांसाहारी खाना कार्निवोरस है। ये कार्निवोरस है और ये हर्बीवोरस है। इसका शनिवार है, इसका शनिवार है भाई। और मेरा तो कौन सा वार नहीं, तुम तो कौन मालूम। नहीं क्या पब्लिक खाना आ गया है, सबका खाना हो गया पूरे ट्रेन में। हमारा खाना लेट है, देखो लोग सो भी गए लगता है। स्पेशल गेस्ट नहीं है भाई, अपन नॉर्मली गेस्ट है। सबको इज्जत है, सबको इज्जत रहेगा। अर्जुन भाई आप बोलो, क्या बोल रहे हैं? अरे सबको इज्जत है सरो भाई, मेन लेकिन इज्जत सबको है। सबको वेज है, नॉन वेज है, लेकिन इज्जत सबको है भाई। अपना काम बनता सो गई जनता, नहीं क्या जनता जनार्दन पब्लिक सब लोग नहीं पर अपने को तो गाइस ये मेरा पहला व्लॉग है नहीं, और पहले व्लॉग में GoPro पे शूट करो सुमन बाइक की कृपा। आपके भाई ये बहुत सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं, उनको ऐसे जो भी मिला नहीं मिला है। और ये मामू वापस सोते हुए तो कुछ अच्छा लगा नहीं लगा मुझे मालूम नहीं, क्योंकि पहले व्लॉग है नहीं क्या। अभी इम्प्रूवमेंट हो सकती है, नहीं हो सकती, पर आप मुझे बताओ बाद में कैसा है कैसा है। तो अभी मैं सोता हूँ, कल सुबह उठ के वापस व्लॉगिंग मीटिंग करने गए और सुमन भाई ने सबको आगे लेके जाने का काम ही लिया है। तो नहीं क्या तैयारी कर रहे अभी तो आगे बढ़ा रहे ले भाई, तो आगे जाके सबको ले जाना बहुत बड़ी बात है। अभी क्या बोलूँ उनके बारे में, बोलने उस तक हमें जी रे आश्चर्य बबल आदि क्या बोलूँ बोल के भाई अलग है। और मामू की तरफ भी गुड नाइट, मामू अभी तो झोंक रहे हेडफोन डाल के, ठीक है ओके गुड नाइट। तो गाइस ये राजस्थान से पंजाब जाने वाला एरिया है और यहाँ पे मोहरी की खेती होती है, बोले तो मस्टर्ड इंग्लिश में उसको बोला जाता है, मस्टर्ड मोहरी अपने मराठी में। और चिमनी देख रहे हो, उसमें राई डाला जाता है और उसमें वो पीसा जाता है और ऊपर उड़ता है तो कबूतर पकड़ते हैं और उसमें वो राई खानी पड़ती है। तो यही ऐसी प्रक्रिया है मोहरी बनाने की। आप देख सकते कि नहीं मालूम नहीं मुझे चिमनी, पर उसमें डाला जाता है राई और वो उड़ती है, तब वैसा खेतों में जाइए तो खेतों में वो बिखरी जाती है। तो गाइस दिल्ली पहुंच गए और ये सर जी हमारे बहुत टैलेंटेड है और इन्होंने हमें बहुत इन्फॉर्मेशन दी। और अभी हम मिलेंगे वापस। जय माता दी। तो गाइस अभी दिल्ली पे लैंड कर चुके हैं, राजधानी ने हमें अभी छोड़ दिया है जस्ट नाउ के दिल्ली में। तो अभी हम यहाँ से जाएंगे पहाड़गंज, उधर से बस रहेंगे इंडिया गेट देखेंगे रात में और फिर उधर से मनाली वो दिखती माधुरी। मेरे साथ जीवन भाई भी है इधर, मच रहे फूल एकदम। और दिल्ली में इस बार ठंडी कम है, पहाड़ी मतलब पहाड़ी ठंडी नहीं है। पिछली बार आया था दिसंबर में तो बहुत ही वाइट चूल मचा रही थी, अभी इतनी नहीं है। तो चलो आगे का बाद में बता देते हैं। नहीं क्या दिल्ली में आउटिंग बुकिंग चालू है नहीं क्या पब्लिक? तो अभी हम जा रहे हैं क्या इधर कुछ तो है करके शांताराम करके कौन तो भी छोले भटूरे वाला, नहीं सीताराम छोले भटूरे वाला है। तो उसके बाद अभी हम खाने को जाने वाले देखते हैं। और दिल्ली में आए और अभी ये दीदी है कुछ तो है, दीदी क्या है दीदी? हेलो तो है वो अभी कुछ तो था पर वो सब अपन नहीं करते नहीं क्या, तो उधर अपन नहीं जा सकते। तो अभी शांताराम जी के सीताराम जी के यहाँ पे छोले भटूरे खाने जाते, देखते दिल्ली और छोले भटूरे नहीं खाए तो मजा भी नहीं क्या। मिले मुझे भाई जी बोलो क्या स्कीम है, ये क्या दिखा रहे हो, ऐसा नहीं दिखाने का, ये नहीं ये सब नहीं पीते, जूस भी है क्या, ये क्या क्या लिखा है? नहीं अंकल जी ऐसा नहीं, जूस भी है, जूस 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 भी है, गन्ने का जूस पहले हम पीने जा रहे हैं, उसके बाद सॉफ्ट ड्रिंक से मिलेगा आपको, खाना लेके जाते हैं, एक लेके जाते हैं। स्माइल करो ये देखो हम दोनों साथ में, कौन अच्छा लग रहा है? यही लग रहा है मैंने, चलो थैंक यू जी। राम राजा राम। और उधर ऐसा है कि खाना अच्छा है सुना है पर गर्दी बहुत है और ऊबर है क्या खाने का, ऊबर है क्या ऐसा बैठ के नहीं क्या जमीन यहीं पर बैठ सकती हूँ लग तो अच्छा रहा है ठीक है। ये जगह मिलेगा रे, इधर जगह भी नहीं, बहुत पब्लिक है, देखते टेस्ट कैसा है आपका, रेडी है क्या अपना? तो गाइस ये देखो इधर का 60 पैसे कांदा, एक तो टमाटर गाजर जैसे मिर्ची, ये छोला भटूरा चटनी और इसमें बटाटा, ये भटूरा बोलते हैं इसको, और ये शिकंजी करके कुछ तो है, शिखर धवन की कंपनी लगता है शिकंजी। अरे देखो फूड ब्लॉगर बन गया अभी के अभी। और ये ऐसा 4 प्लेट तीनों में मंगाए हम लोग ने, बे दबा के खाएंगे। गाइस अभी शांताराम में खाना खाया
पर खाने को अपन नाम नहीं रखते, पर ठीक है छोले भटूरे बोले तो महाराष्ट्र में कहता झुमका और भाकरी, वैसा सिस्टम है नहीं क्या? 80 रुपये में काम पर चीज, पर ये नहीं हाई पे ज़्यादा नाम है, इतना ही बोलूँगा, इसको अपन बारामूला नहीं बोलते, ठीक है इतना ही बोलेगा। ये सब फेमस लोग हैं, ये आपको मालूम रह गए, विक्रम साराभाई, ये शकुंतला देवी जी, विनोबा भावे, चंद्रशेखर वेंकटरमन, होमी जहांगीर बाबा, वो नीना भाई ने नंदिनी भाई जोशी, उन्हें मालूम हमको, आगे अब्दुल कलाम, अब्दुल कलाम जी है सब। ये वॉल ऑफ ऑनर है, पर ये वॉल ऑफ ऑनर पे एडवर्टाइजिंग भी किया लोगों ने, तो इस पे आपका क्या कहना है बी बॉय? ये गलत है भाई, सबकी इज्जत करनी चाहिए। आपका नो कमेंट्स, नो कमेंट, इज्जत करनी चाहिए, उन लोगों ने बहुत सारा खून बहाया अपने देश के लिए, और ये उसके वजह से नहीं करना पड़ता। और ये रिक्शा हमारी ऑटो 2x2 4 की सवारी, और ये हमारे 2 लाख के रिक्शे के मालिक, ओ होमी बॉय चालक मतलब सब में आई जॉय ब्रो, वो काठमांडू से, उनको हिंदी नहीं आता इतना, वो नेपाल में नेपाली बोलो भाई, नेपाली बोला ऐसा कुछ नहीं, हमारे जनता नेपाल में भी समझती नहीं क्या? गाइस अभी मैं कौन से तुम्हें मार्केट में आया हूँ नहीं के बोले तो दिल्ली का चोर बाजार लगता है, देखो यहाँ पे सब होलसेल मिलता है। तो गाइस अभी हम इंडिया गेट पे आए नहीं क्या, मेरे साथ है जीवन भाई, मनोज भाई, और वातावरण एकदम जबरदस्त है, ठंडा हाट है इधर दिल्ली, दोपहर से भी ठंडा था, अभी भी ठंडा है, और ये देखो पूरा इधर सब बेच रहे लोग, मस्त पैसा कमा रहे, धंधा कर रहे हैं। और ये रहा इंडिया गेट, वो अभी इधर से दिखेगा नहीं क्योंकि इधर भीड़ भीड़ दिख रही है, बहुत पब्लिक है आज के दिन, पब्लिक बहुत है, और घर भी उड़ रही है आकाश में। मैं आपको इंडिया गेट एकदम अच्छे से दिखाता हूँ। तो गाइस ये देखो इंडिया गेट में फुल हलचल मची है, चुलबुल मची है, पंछियों की सरसराहट, आदमियों की फरफराहट, और ये दोनों शेर जैसे जंगल में ताकते हुए जा रहे। ओ भाई साहब दबंग जी, ए दबंग जी लग रहे भाई, दिल्ली का है, दिल्ली दिल्ली प्रॉपर, और ये इंडिया गेट ये साइड से दिख नहीं रहा है पर अभी दिखेगा, बोले को इंडिया गेट, भारत की शान आन बान और शान अपनी, उन भारतीय है और उस बात का अपने को गर्व होना ही चाहिए। वो देखो पब्लिक हर जगह ये कर रही है, अभी हम नजदीक में जाके आपको इंडिया गेट दिखाता हूँ, पब्लिक बहुत, पब्लिक हर जगह नहीं गई, एकदम मस्त लग रहा है, फीलिंग विलिंग फीलिंग नाइस, feeling very nice. तो पब्लिक अभी रिंग बस में बैठ के मनाली अभी लोग आने वाले आगे से, और अभी बस थोड़ी सी खाली है, बस इतना ही। तो गाइस वापस एकदम फ्रेश होके अभी मनाली में पहुंच गए, आप जिधर सिमन भाई हम लोग रुके थे वही होटल में, यही गार्डन इधर से ही फोटो खींचे थे, और यही वो नज़ारा है जहाँ पे थे, हमारा रूम ये था पर हमको इस बार वो वाला रूम मिल गया है, ये जगह तो एक नंबर है। और ये देखो यहाँ पे काम चालू है, इधर इस बार बर्फ़ है, उधर भी बर्फ़ है, और पिछली बार इतना बर्फ़ नहीं था पर इस बार ज़्यादा बर्फ़ है, तो अच्छा लग रहा है, और सन भी है और ठंडी भी लग रही है, ऐसा नहीं कि नहीं लग रही है पर मज़ा आ रहा है। तो यहाँ का ऐसा नज़ारा है, उधर पहाड़ पे ज़्यादा बर्फ़ है, इधर भी पिछली बार आए थे नहीं थी, उधर तो बहुत ज़्यादा है, अभी हम जाने वाले कल उधर, और यार सामने नीचे भी गिरी हुई है बर्फ़ पर ज़्यादा नहीं है, परसों इधर कुछ स्नोफॉल हुआ था पर कम है। अब ये होटल फुल बुकिंग है, पिछले बार हमारा वो था, इस बार ये और ये है। कोई और कोई खींचे तेरी और लिए जाए। मान लीजिए वातावरण है पब्लिक कैसा, ठंड वातावरण, चिल लाइफस्टाइल है, हम लोग इधर मजा कर रहे हैं नहीं क्या? इधर से देखो बर्फ बिरफ गिर रहा है, नीचे पीछे कर जीवन भाई को भी देखो, मनोज भाई को देखो, पवन भाई को देखो, माने लिखे है ना क्या रहवासी, और इधर मेरे को देखो पूरा माउंट एवरेस्ट व्यूरेस्ट उधर से ही चालू होता है, पूरा एरिया ठंडक, इधर भी बर्फ बिरफ गिर रहा है, मस्त लग रहा है नहीं क्या एकदम मनाली में एंजॉय विषय। ये देखो नीचे खाई है, थर्ड फ्लोर पे विषय नहीं है, देखो ठीक से देखो बर्फ बिरफ पूरा है। तो गाइस अभी हम मॉल रोड में आए रात में नहीं गए, देखते इधर क्या मिल रहा क्या नहीं, वो जगह मार्केट रहते निकल विकल के अभी सुलंग वैली की ओर जा रहे हैं नहीं क्या,
एकदम मस्त बर्फ में चिल वातावरण के साथ में उधर जाने को अपना अभी प्लान है। उसके बाद पतली गुल करके गिरे उधर भी जाने गए, देखते कितना जल्दी निकलते और कैसे क्या होता। और ये मॉर्निंग व्यू एकदम कबूतर भी उतर एकदम ये करते हुए, ये एप्पल के सूखे रुके झाड़ और एकदम मस्त वादियों में। गाइस इधर परोठे हैं, इधर क्या है पास्ता भी है, कॉर्नफ्लेक्स दूध है, ये है ये। और यहाँ पे सन्नी भाई है, ये बहुत डेंजर आदमी है, पेड़े चले करते रहते नहीं गए। ये देखो एप्पल जूस भी आ गया हमारे लिए, ये क्या क्या चीज़ है यार, बहुत थैंक यू जी। तो गाइस अभी हम सोलंग वैली के लिए निकल गए। देखो पहाड़ भी इधर के कैसे एकदम अलग में नहीं गए। और उधर देखो बर्फ हर जगह, बर्फ सोलंग में तो बहुत बर्फ है और आगे जाम भी है। इधर सब लोग इज्जत वाड़ी में लाइन टू लाइन चल रहे हैं, पर हमारा ड्राइवर खौफनाक है, वो नहीं डरता, बोलते पुलिस पुलिस मजा करो गाइस। पर बंदे में हिम्मत है और वो जब भी इधर मनाली बोले तो बोलते अपने एरिया है, बाले किला बोलते ना क्या ऐसा है। देखो पूरा जाम है और हमारे भाई साहब बहुत हमारे डर गए नहीं क्या, अरे भाई मैं ऐसे ही बना रहा हूँ कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इनके इंतजार में कितने लोग आए। अरे आ रहे कोई नहीं कोई, हाँ ठीक है ठीक है। तो गाइस अभी हम लोग निकल गए, मनोज भाई एकदम प्रॉपर में मैकेनिक और जीवन भाई भी एकदम बादशाह और हमारे ड्राइवर तो नादी कर रहे हैं। अभी बोल रहे ऐसा शॉर्टकट है सो जी मेरे को मनाली में, मेरे को अकेले को मालूम है तुमको लेके जाता है बोल रहा है। नहीं क्या भाई साहब बहुत हार्ड बंदे है, मतलब नादी नहीं है पर दिखाएगा नहीं। अरे देखो आगे कैसा दुकु 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 दुकु, ये शॉर्टकट एकदम बादशाह बबनी से। और ऊपर देखो व्यू एकदम कड़क है कड़क। इसमें मजाक नहीं कर रहा था जब बोला हमारा बंदा हार्ड है, उधर इतना हार्ड है कि अकेला ही चल रहे हैं रोड पे बादशाह के जैसा, नहीं क्या कौन नहीं इधर इसका। देखो और उधर देखो कितना जाम है, तीन तीन लाइन गाड़ी, 10-1000 गाड़ियां ऐसे नॉर्मल में रहेंगी। इधर से आपको ठीक से दिखेगा इतना जाम था, हम ये जाम क्रॉस करके डायरेक्ट इधर से जितना कनेक्ट हो गया है, नहीं क्या हमारा इतना टाइम बचा है। तो गाइस अभी सोलंग वैली की तरफ हम बढ़ रहे हैं, इधर बहुत ट्रैफिक जाम होने की वजह से बिल्कुल भी नहीं जा रहा। देखो नीचे रास्ते पे भी बर्फ है, हर जगह बर्फ है, इधर भी देखो बर्फ है, बर्फ ही बर्फ सब जगह बर्फ है। तो आगे जाके सोलंग वैली का मैं आपको दर्शन दिखा देता हूँ। बर्फ है और देखो अपना होने गया याद अपा वैसे हो जाए अभी इधर भी जीवन भाई एकदम ट्रैकिंग के मोड में फुल हिप हॉप में बन के पब्लिक गाज पीस पी के बहुत बर्फ है नहीं क्या। और इधर दिल का राजा ऑन माय लव उल्टिन 223 टूर कुल्लू मनाली, अरे भाई सब इधर है तभी मैं भी इधर हूँ, हर जगह बर्फ ही बर्फ पूरा वाइट। मोमो भाई साहब है और इनका मोमो का ही बिजनेस है तो बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। इनका दुकान अभी ऊपर है पर उधर बर्फ ज़्यादा की वजह से अभी दे गया, तो इतने अच्छे कि बोलते हैं पैसा भी मत दो सर आप खाओगे, ठीक है सर कोई नहीं है। देखो मैं एडवर्टाइजिंग कर रहा हूँ तो रातों रात 1 करोड़पति हो जाएंगे, तो मालूम है मेरे कितने फॉलोअर्स है। और भाई कैसे हो, ठीक हो? मोमो भाई साहब का आपा वापस मिल गया, आपा इकड़े आपा, इस बार आपा को नज़दीक नहीं है ना इसलिए आपा भाव नहीं दे रहे मेरे को, उस पर मार रहा है और कोई नहीं रहेगा इधर जितना जितना है सर। और इधर पहले भी बन रहे इधर भुट्टा भुट्टा चालू है। तो गाइज अभी हम सोलंग वैली में प्रॉपर आ चुके आ रहे हैं, हर जगह के स्पोर्ट्स है यहाँ पे देखो। और मुझे कुछ इंटरेस्ट नहीं कौन से स्पोर्ट्स में, फिर गोला बिला खेला खेली फेंका फेंकी, हमारे दो बंदे उधर गए हैं और मैं मस्त चिल करते हुए एकदम चल के एकदम प्रॉपर में नहीं गया एकदम मस्त जा रहा हूँ शूटिंग करने। और मुझे वो रोप वे में जाने की इच्छा है कि पिछली बार हम आए थे ना इतना नहीं था। अभी मनोज भाई एकदम गोप्रो में एकदम ए गिरला रे बाबा गिरला ग भाई गिरला लेका जागे तो जाऊ ना गिरला ग भाई गिरला चल के जाएंगे थोड़ा ऊपर चल चल क्यों हो गया रे हो गई का वालिक डेंजर का भाई तो कैसे ला चलो ठीक है आगे जितना ओके ओके गो यहाँ कौन है बाबू जबरदस्त 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 ए मनाली मनाली ए ए गिर गया ए बाप पढ़ला बक पढ़ला बक पढ़ला बक ए पैर बीर गया रे भाई का चलो 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 भाई एक नंबर बहुत हार्ड
बहुत हार्ड, जबरदस्त जबरदस्त। जुबन भाई एकदम हार्ड में नाच करके आ रहे हैं, बादशाह रे बबन करके एकदम रिच राइट स्टाइल में। जीवन भाई एकदम पद्धत शीर स्टिंग करके नाच कर रहे मार्केट में। इधर सोलंग वैली में एकदम मस्त वातावरण है और अपन एकदम मस्त है। और जीवन भाई ने अभी जबरदस्त किंग किया है नाच करके, उसने ये किया है, वो आएगा व्लॉग में। तो ऐसे इधर बहुत सारे एक्टिविटीज है, ये बलून है, ये है और भी बहुत सारे, ऊपर से आता नहीं क्या वो रोप वे है और क्या भाला फेंकी भी है, ये भी है, ये ऐसा हाथ से भी ढकलती है, क्या क्या नई चीज़ इधर देखने को मिलती है। क्योंकि बर्फ़ रहता है ना तो हर चीज़ अवेलेबल होता है मार्केट में, नहीं क्या। और मैं कुछ नहीं कर रहा है, कैलकट जैसे खाली ब्लॉग कर रहा है क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट नहीं है सब चीज़ों में। देखो सौरभ भाई आ रहे हैं नीचे यहाँ से, हलकट जैसा नहीं है पर प्लान फ्लॉप हो गया थोड़ा ऐसा लग रहा है देख के। जीवन भाई ट्राई कर रहे वापस से दौड़ दौड़ के, तो अभी क्या कूद के आने वाला है क्या ये? क्या भाई कूद के आने वाला है? उसे वापस से एक बार दोबारा से प्रयास। और राइडर ऊपर से आ गए नीचे और बहुत गए दो, ये फुटबॉल से आ रहे नीचे। ती गेम पुण्य अपनी सुनो पुण्य गेम ऑफ थ्रोन। नहीं नहीं चलते चलते गाइस लवने लाल हो गए, अब देख सकते हो हालत। तो अभी इतना चला है, उधर से उधर जाने की सोच रहा हूँ, सोच रहा हूँ, अभी तक फिक्स नहीं है कुछ। ये बच्चे लोग तो ऐसे मस्त खेल रहे हैं, बद अच्छी स्प्राइट दिखती कहने के, पब्लिक डाले लिखा चला चला फिर ऊपर जा रहा हूँ। चलो चलो बेटा इधर करो आए। ओह जबरदस्त जबरदस्त, खतरों के खिलाड़ी में जाएगा तू अभी बेटा। चलो 1 2 3 गो। ओह तुम बिग बॉस में जाओगे, बिग बॉस। अरे तुम कहाँ जा रही हो? उसको नहीं जानेंगे, बिग बॉस नहीं जानेंगे। ये भाई सब मिले हमको फ्री में फोटो खींचा के दे रहे, इधर बहुत अच्छे अच्छे तरह के लोग हैं और फोन में भी सेंड कर रहे और सॉफ्ट कॉपी भी देंगे रहेंगे। भाई बहुत थैंक यू, लव यू भाई जान, लव यू भाई। गाइस ये जो नजरिया है ना बादशाह भवन है, आप देखो ना हर जगह स्नो ही स्नो यार, मन ही नहीं भर रहा है। महेश भाई को क्या ठंड भी लग रही है क्या? कुछ नहीं यार, कुछ भी ठंड नहीं है भाई। देखो ना ये धसा अंदर धसा अंदर धसा अंदर धसा अंदर, ऐसा बहुत बर्फ है और मेरे पैर जा रहे हैं। ये लोग ने शूज पहने, मैंने मेरे घर के ही शूज पहन के आए ना। तो गाइस इधर मैंने अस्त्रा निवास्तन ले लिया है, ये देखो मनोज भाई भी मस्त के सोए हलकट जैसे और मैं इधर बैठा हूँ पद्धत शीर में, नहीं क्या रिलैक्स लाइफ। बर्फ का सोने में के जो मजा है वो तो बहुत ही अलग है भाई। आपको कैसे लग रहा है मनोज भाई? बहुत अच्छा लग रहा है भाई, और आ रहे मनाली को ना तो वो बर्फ देखने को मिल गया बहुत तमन्ना। और ऊपर पहाड़ी पहाड़ी पहाड़ी, इसको एकदम से स्टॉप हो गए, उसकी हालत खराब हो गई है, कुछ प्रोटीन देना पड़ेगा मुझे तभी कुछ मिलेगा। और बाकी एकदम मजेशीर लाइफ है, मजानी लाइफ एकदम चिल पेत्र। हम वापस जा रहे हैं और मैंने ये सब कपड़ा निकाल दिया क्योंकि इसके कुछ फायदे नहीं हुए। देखो मेरा पिछवाड़ा पूरा गीला हो गया, सभी का कुछ मतलब ही नहीं है इसका ड्रेस का, दिखता तो है आदमी अंदर से। और ये भी देखें, ये भी पूरा खलास हो गया है, काम 25 हो गए सब लोग ने। हम लोग ने काजू भी जुले अभी खाने को और कुछ फायदे नहीं, सब लोग ने ड्रेस निकाल लिया है। अभी हम स्कूटी के लिए बैठे हैं। जीवन भाई दादी इनका दुकान है, पूरा बिजनेस वूमन है इधर की। और मनोज भाई इधर क्या करेंगे मालूम, आग में ठंडक कर रहे नहीं क्या पब्लिक? जल जाएगा, हो जाएगा, अच्छा लग रहा है वातावरण। चिकन फ्राइड राइस का ऑर्डर भी दिया है, प्रॉपर हो रहा है। हम वाफ के साथ हम लोग गरम गरम फ्राइड राइस ले रहे हैं। ये देखो वाफ आ रही है क्या पब्लिक, अभी खा के देखने का एकदम प्रॉपर में नहीं। तो गाइस नई सुबह और नया मूड नहीं, तो अभी जा रहे ब्रेकफास्ट करने और उसके बाद जाएंगे अपन दिखाते हैं, आगे जाके ही दिखाऊंगा। और आज मस्त पे की धूप पड़ी है नहीं क्या, मस्त धूप छाव में अपन भी एकदम सज धज के अभी निकल रहे ले। अभी ब्रेकफास्ट करूंगा, ब्रेकफास्ट में क्या है वो भी दिखाता हूँ और आगे का ब्लॉग कहाँ जा रहा हूँ कैसा नहीं वो दिखा दूंगा क्या है। ठीक है था। और देखो बहुत सारे इसका नुकसान हो गया है, वो कैफे विफे थे वो चले गए, ऊपर से माउंटेन से बाढ़ आया था, स्नो पिघल गया
और उससे बाढ़ आया था तो काफी लोगों के काफी नुकसान हो गए थे। ये देखो जेसीबी वीसीबी लाया गया है अभी पूरा निकालने को। अभी हम कसोल में है, यहाँ पे हर चीज अलग ही है भाई, यहाँ पे अभी क्या बोलू। तो गाइस अभी मैं मणिकरण में आया हूँ, नहीं है तो इधर एकदम हॉट स्प्रिंग की वाटर है, देखो मैं निकाला हूँ। तो आपने तो पैसे निकले नहीं है, वहाँ पूरा गर्म पानी है, ठंडे पानी में गर्म पानी आ रहा है। तो गाइस उधर भी गर्म पानी और इधर भी गर्म पानी, देखो हाँ सौरभ हाँ फिर ठीक है पूरा गर्म पानी गाइस। अभी हमारे दो प्लेयर नाद कर रहे उधर पूरे गर्म पानी में। कितना गर्म पानी है मनोज जी भाई, इतना गर्म पानी बहुत अच्छा लग रहा है ना, मनाली का पैसा वसूल हो गया भाई साहब। यहाँ पर जो सपू है वो पूरे मनाली में कहाँ पर भी नहीं। क्या बात कर रहे हो जीवन भाई सूर, बादशाह बादशाह गर्म पानी में पब्लिक नाद कर रही है, मजा आ रहा है मजा आ रहा है। और इधर का वातावरण भी देखो एकदम जबरदस्त है, पहाड़ी और इधर गर्म गर्म पानी बहुत ज्यादा गर्म है। एक तो लाइक ही नहीं तो मैं बच्चे से ऐसा फिनिश कर रहा हूं। आगे 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 भाई को कसम करा रहा हूं, ले 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 गर्म अच्छी से और इतनी बड़ी पहाड़ी में ऐसा गर्म गर्म सूप मनाली में यही एक कौन सा भी चीज में मजा नहीं। इतना गर्म पानी है ना गाइस, इस पर जकूजी में भी नस दे रे बाबा ले दंड कर मुझे तो उंगली मारने का मैं सोच रहा हूं, हिम्मत नहीं आ रही है। अरे बाबा गाइस मेन बात ये है कि देखो इधर हम लोग बैठे हैं, बहुत ज्यादा मतलब बहुत देखो आपको क्या बोलूं, वाफ भी दिखेगा आपको, इतना गर्म पानी है। अभी मनोज भाई तो अंदर गए पर एक बात मेन क्या बोल रहा हूँ कि वो देखो सामने पहाड़ी दिख रही है, उधर बर्फ है बर्फ, फिर इधर भी बर्फ है और इतना नीचे इतना गर्म गर्म पानी, बोले तो स्वर्ग ना भाऊ आपका विषय। बहुत मजा आ रहा है गाइस, बहुत पैसा वसूल है इधर आके। शंबटा के कभी भी आओ तो मणिकरण में आओ, ये गर्म पानी में नहाने का और मस्त पी के रहने का, इसमें जाने का भी क्वालिटी नहीं तो ऐसे लेने का मजा, गर्म गर्म पानी एकदम चिलपेत्र लग रहा है मस्त। पर इधर से निकले ना तो काम 25 होता है, 25 मतलब लगे ट्रेंटर करता था 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 था। दिर के ऊपर उधर जा रहे हैं और इधर गाय आई है, पक 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 नीचे आ जाते। सच में कुदरत का करिश्मा है, देखो यहाँ पे इतनी धूप है वहाँ पे पहाड़ी पे। तो गाइस देखो अभी हम मंदिर के अंदर आ रहे हैं, नहीं के? और देखो वाफ आप देख रहे होंगे इतनी बड़ी स्टीम है, ये देखो नेचुरल स्प्रिंग है, ये इधर से ही पूरा नेचुरल होता है घूम होता है। तो देखते हैं अपन नजदीक जाके, देखो गरम 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 पकाते हैं और खाते हैं। चना चावल लाते हैं, चावल भी ये देखो पैसा डालते हैं पानी में 10 मिनट तक पक जाता है, इतना गर्म है बुड़बुड़े बुड़बुड़े बुड़बुड़े। एडवांस हो गई कि दान पेटी में भी फोन पे का स्कैनर है, अगर जिसको करना है तो कर सकते हो, तो दिक्कत हो आएगा खुद पानी में पर कर सकते हो, कोई पैसे लगते थे पर अभी स्कैनर भी आ गया है। और ये शिव भगवान पार्वती माता का मंदिर है एकदम बादशाह, और उल्टा ही इस पर देखो हर जगह से देखो आप, आपको बाप ही आएगी इधर, हर जगह गर्म पानी है। जय भोलेनाथ जय माता पार्वती। ये गाइस पीछे की साइड है, इधर से मैंने आपको दिखाया था कि वो गर्म वाप आती है, नहीं क्या? ये देखो इधर से कितनी गर्म वाप आती है, इधर से देखो देख भी नहीं पाओगे, पूरा गर्म लग रहा है। देखो मैंने कहा जाए इसलिए हम ऊपर से इधर नीचे तक आए, देखने को कैसा रास्ता है किधर से क्या पानी आता है। देखो वाप इधर भी आ रही पर इधर से रास्ता ही नहीं है बंद है, क्या है कुदरत का करिश्मा है ये। और गाइस पूरे लंगर का खाना गुरुद्वारे का है भाई, सब निकल गए गर्मी है, गर्म भी नहीं लग रहा है, आदत हो गई है खाना पीना सभी तरह बनता है। और ये आज मूर्ति देखो आप, जैसे शिव भगवान खड़े हैं ऊपर तक देखो प्रॉपर में पहाड़ी। तो गाइस अभी हम शाट गांव के नज़दीक आ गए और इधर की सबसे फेमस चीज़ है पत्ती, शाट की चाय पत्ती इंडिया में वर्ल्ड फेमस है, नहीं क्या? तो इधर से पूरा एक्सपोर्ट होता है ये सब चाय के झाड़े, नहीं क्या? और ये अपना इधर से अपन जा रहे हैं अभी कसोल, तो आगे का बताता हूँ। और ये देख लो शाट गांव। तो गाइज अभी हम वापस लौट के आए, नहीं क्या? उधर से तो मलाना जाने वाले थे पर मलाना का रोड ख़राब है तो मलाना नहीं गए, कसोल देखा मणिकरण देखा और उधर से अभी लौट के वापस आए। तो अभी जाते जाते यहाँ मनाली में नया एक KFC खुला है,
तो KFC से मैं कुछ मंगा था अभी अभी चालू हुआ है इधर KFC देखो इधर KFC पिज्जा हट भी चालू हुआ है वैंगो करके कुछ तो है और स्टारबक्स का कॉफी ये सब वो सब नहीं चाहिए अपने को अपने को खाली राम 25 में 26 करना है KFC में तो गाइज अभी क्लास डे यहाँ पे नहीं गया बहुत मज़ा आया अभी हम हिडिंबा टेम्पल जा रहे हैं उधर देखेंगे थोड़ा फोटो वोटो निकलेंगे फिर दिल्ली को वापसी और उधर से सीधा और ये अपने होटल का व्यू बर्फ़ भी थोड़ी कम हो रही है अभी क्योंकि बर्फ़ नहीं गिर रही है ना तो गाइज हम एडवेंचर करके जा रहे हैं चढ़ चढ़ के नहीं गए उधर सीनरी देखो व्यू ज़बरदस्त है हम रोड से नहीं जा रहे आगे ऊपर तक जाने का बादशर छगनीस व्यू चलते चलते याक रोड के ऊपर हडिम्बा इधर आ गए और अप्पा इधर अप्पा अप्पा मारते का माइसी अप्पा 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 चल पप्पा यहाँ का भी अपने को भावने दे रहे हैं नहीं अभी देखते हैं इधर क्या तो गए शॉपिंग भी कर रहे हैं पद अच्छे गाइस फाइनली हम डेस्टिनेशन पे आ गए मनोज भाई वापस भी पिज़्ज़ा कट में जीवन भाई एकदम स्वैग लेके बहुत शॉपिंग मार रहे हैं अभी जीवन भाई पैसा आ गया बहुत मार्केट में नहीं गया अभी हम हडिम्बा के इधर पहुँच गए ऑलमोस्ट आप देख सकते हो रुपा भी लगूंगा मनोज भाई को कौन सा तो भी गेम मिला है अप्पा के बाजू में ही गेम है और कुछ तो आप छोड़ेंगे तो कुछ तो करोड़पति बन जाते हैं ऐसा कुछ स्कीम है इधर देखो 300-500 मिलेगा ये बॉल का ऐसा बहुत पैसे वाले लोग है पैसा कमा के देने वाला बोलते पूरा ट्रिप का खर्चा निकालेगा क्या हिट किया है भाई अच्छा वो झाड़को नहीं लगा इधर ही लगा अच्छे हो रहे तो ऊपर जाता थोड़ा तो अभी जीवन भाई कुछ तो नाथ करे ले पब्लिक मार्केट में देखते इधर बॉल नहीं जीवन भाई इज फेलिंग मनोज भाई अभी थोड़े से नजदीक निशाने के लिए मछली की आंख को मार रहे भाई एकदम कॉन्फिडेंस दिख रहे हैं अभी इस ऊपर में चश्मा निकाल के मारो ना भैया अभी देखते है किधर गसते है मछली की आंख एक गई ओ तोड़े की वजह से इस बार निशाना लगते लगते बच गया बीच पे लगे और मनोज भाई बादशाह भवन जैसा अभी इसी तरह से बाद में एक बार दूसरे तो बाप रे परफेक्ट एज यूजुअल ओलंपिक में जा रहा हूँ पब्लिक ये इन्होंने कुछ तो सिस्टम लाया ये 5 ग्लास इधर से गिराने का टेबल के ऊपर रहेगा तो 300 टेबल के बाहर 500 अभी मैं इनको बोल रहा हूँ कि आप दिखाओ मैं आपको ये दूंगा तो ये बोल रहे नहीं भाई साहब ऐसा नहीं होगा अरे बोलते तुम 50 दो और मार के दिखाओ और बोल रहा मैं 500 देता हूँ तुम गिरा के दिखाओ नहीं तो मुझे 50 दो तो भाई आपको ये सौदा मंजूर है पब्लिक देख रही है आप बोलो नहीं भाई भाई नहीं बोल रहे और मनोज भाई हमारे गिरा रहे हैं और जीवन भाई भी गिरा गिरा के थक गए स्कैम भी कुछ बोल रहे स्कैम नहीं और इधर अलग गेम है अच्छे चालू इधर भाई बहुत कमा रहे ये देखो पूरा पेटी पूरी पूरी भरे ले भाई ने अभी कम से कम 70-80 हज़ार कमा लिए भाई ने सुबह से लेके अभी फॉर्चुनर गाड़ी उधर ही लगाया भाई ने नहीं क्या तो भाई बहुत रीच वाले ये पन्ना पलटी हो गया भाई खुद अभी नाच कर ले खुद के गेम में बादशाह भवन गेम और भाई का तोड़ के इसके वजह से रे मेरी चुम्मी 500 रुपए का कमा ले भाई रोकड़ा पैसा देगा रोकड़ा पैसा देगा चलते ऐसे हो कड़क कड़क भाई जीत गए 5,000 रुपए रोकड़ा अभी रोकड़ा मिलेगा डायरेक्ट आपका ये दे दो पोस्टल अकाउंट दे दो उसमें डिपॉजिट हो जाएगा चेक मिलेगा आपको मुझे शेर दिखा है और सोया है सोते हुए शेर को जगा तो नहीं बोला ऐसा किसी ने सुना है इसलिए उसको मैं उठा नहीं रहा हूँ गाइस मैं और मनोज भाई अभी आइसक्रीम खाते खाते सॉफ्टी मॉल रोड में घूम रहे हैं और मॉल रोड में हमेशा की तरह पब्लिक रहती है भाई कुछ बेच रहे हैं क्या कर रहे हैं गर्दी है गर्दिश में गर्दी है मिल गया दुकान हमको जूस देखने का था और जूस का दुकान हमने खोज लिया है रूपा बिल्ला भूंगा गाइस अभी दिल्ली की वापसी हो गई है और मेरा भाई इतना बड़ा बीमार हुआ है कि उसकी जिंदगी हो गई है पूरा और खाने वाले हो गए 8 और बदिरी उसके दिमाग और गले में चारों तरफ से हो गई है गले उसको अभी आला खिला दो मैं उसकी खिचखिच दूर कर देता हूँ हमेशा के लिए गाइस आखिरी दिन है आज दिल्ली में नहीं गया तो आज अभी हम निकल रहे हैं बॉम्बे के लिए और मेरा भाई बीमार हो गया है और इधर के लोग कोई भी मदद नहीं कर रहा है क्लिनिक कोई भी मदद नहीं कर रहा है दिल्ली दिल वालों की ऐसा मुझे नहीं लग रहा है दिल्ली दिखावे की ऐसा लग रहा है तो ये मेरी राय है अभी हमको नहीं अच्छे लोग मिले रहेंगे हर आदमी अच्छा नहीं रहता ऐसा नहीं बोल रहा हूँ और दूसरा विषय ये है कि इधर हम मदद के लिए मांग रहे थे कि मेडिकल किधर है दवाखाना किधर है इधर के डॉक्टर भी बादशाह भवन है वो भी उनका अलग ही स्वैग है नहीं गया तो कोई नहीं तो व्लॉग मैंने शूट कर लिया है पूरा और देखो पसंद आया तो मैं बना है ये पहला है नहीं तो और अच्छा अच्छा आता रहेगा नहीं क्या पब्लिक तो अभी तो शूट किया अभी ट्रेन में जाएंगे उधर भी दिखाऊंगा
तो ऐसा करके सफर एकदम अच्छा रहा आपका, नहीं दिल्ली की वादियों में घूम रहे ले अपन तो अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो और अच्छा मारे क्या अपन। इधर देखो बेटा, इधर देख के बताओ। मैं गेम खेल रही हूं। तो गेम खेलते खेलते बोलो। मेरा नाम है सानू और मेरी उम्र है 7 साल। मेरा अगला बर्थडे आ रहा है 19 अप्रैल को। तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए वो भी बताओ। इधर देख के बोलो तुम्हें गिफ्ट मिल जाएगा। इधर देख के बोलो। मुझे खिलौना चाहिए। कौन सा खिलौना? बार्बी सेट। हां और तुम्हें देख पा रही हो सानू? नहीं। इधर देखो ना, शर्मा रही हो क्या? और मेरा फेवरेट रंग है येलो। अच्छा तो ये कलर का तुम्हारा फेवरेट कलर है? हाँ। येलो। और मेरा फ्रूट फेवरेट है मेरे कलर के जैसे। अच्छा। फेवरेट मैंगो बनाना और बनाना। हाँ। येलो येलो कलर के फ्रूट पसंद है ना? और मम्मी को कितना प्यार करती हो? बहुत ज्यादा। अच्छा अच्छी बात है, अच्छी बात है। मम्मी को प्यार कर। और तुम्हें अभी क्या पीने का है? जूस लाने का है। अभी कंसंट्रेशन आने वाला है। आपकी हीरोइन है बिल्ली, हम इसे कहते हैं। अभी ये गाना का एक पोएम बोलेगी मराठी में। आता तिला मराठी येत नाही पण ती आता बोलणार आहे। बोल रे। नाच रे मोरा मिया जवना ते, नाच रे मोरा नाच, काला काला कापूस पिंजरा दे, आता तुझी बारी, तीज देते ताली फुलो पे सारा नाच, नाच रे मोरा मिया जवना ते, नाच रे मोरा नाच। ते कुठला? ये रे ये रे पावसा तुला देते पैसे। मग तुला कोणची वाली येते? नाच रे मोला येते का? गुड गुड। अच्छा काय ये लड़की इतनी होशियार है ना कि जिंदगी में कोई होशियार नहीं है। ये क्या खा रही है? ये बताओ क्या खा रही है? वो बताओ क्या खा रही है? सब। और तेरे को क्या पसंद है बताओ? ये शर्मा क्यों रही है? अभी तो पोपट बन रही थी, कैमरा पे कुछ नहीं बोल रही है। देखो गाइस ये शर्माती नहीं है बिल्कुल, जो दिखती है वैसी नहीं है, बहुत डेंजर है वो। खाने के टाइम पे नहीं, बाद में दिखाएगी वो। ठीक है चलो बाद में देखते हैं। तो गाइस अभी हम घर आ चुके हैं और इस प्रकार ये ब्लॉग एंड होता है। अभी इधर हमारा सामान भी है और अभी मैंने कार बुलाया है मेरे को घर ड्रॉप करने के लिए। तो मुझे नहीं लगता ये इतना बादशाह ब्लॉग है पर बनाया मैंने, फर्स्ट है। अभी देखते हैं कैसे पब्लिक को क्या लगता है।